अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं ईमान और आप देख रहे हैं फैमिली फूड। आज हम बनाने वाले हैं गोभी वाला पराठा, जो कभी हम अपने बचपन में खाया करते थे जब हमारी अम्मियाँ और दादियाँ बना के दिया करती थी। तो आइए करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो उसके लिए हमें चाहिए गूंधा हुआ आटा और उसके साथ हमें चाहिए गोभी का सालन पका हुआ, जो घर में कोई सा भी पका होता है। तो हमने कर लेना है ये कि हमने सालन लेना है गोभी का, एक प्लेट में आप डाल लें और उसको फोक की मदद से आप मैश कर लें। फोक इसलिए कह रही हूँ क्योंकि फोक के साथ बहुत ही अच्छा मैश होता है। चूँकि मैंने एक ही पराठे के लिए ये बनाना था तो इसलिए मैंने फोक यूज़ किया है। अगर आपने ज़्यादा पराठे बनाने हो तो आप इसके लिए पोटैटो मैशर भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ फोक का इस्तेमाल करते हुए और फोक के साथ पोटैटो भी बहुत ही अच्छी तरह से मैश हो जाते हैं। तो हम सालन को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे, लेकिन ये याद रहे बहुत ज़्यादा बारीक चटनी सी इसकी नहीं बना देनी। इसके जब छोटे छोटे चंक्स मुँह में आते हैं ना तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसको हम अच्छी तरह से मैश करेंगे, ख़ास करके आलू को। आलू अगर ज़्यादा मोटा रह जाए ना तो फिर वहाँ से पराठा फट जाने का खदशा होता है जी। तो सालन को हमने कर लिया है मैश, इसे करते हैं साइड पे। और अब हमने करना है ये कि हमें इस तरह छोटे छोटे दो बेड़े बनाने हैं। छोटे इतने के समझ लें आप, जैसे आप एक पराठे के लिए आटा इस्तेमाल करते हैं तो उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। उसके दो छोटे बेड़े बना लेने के बाद हम दोनों हिस्सों को इस तरह यूँ छोटा छोटा सा बेल लेंगे। ये थोड़ा वाइड नज़र आएगा क्योंकि ये मेरा कैमरा नज़दीक है। एक हिस्से के ऊपर हम इसी तरह सालन जो है उसको रखेंगे और उसे अच्छी तरह से अंदर फैला लेंगे, लेकिन बिल्कुल कॉर्नर तक लेकर नहीं जाएंगे क्योंकि कॉर्नर हमें इसके आपस में बंद करने हैं। इसके एजिस तक नहीं लेके जाएंगे सालन को, लेकिन दरमियान में बैलेंस करके इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। अच्छा जी, इस तरह हमने इसको अच्छी तरह से करने के बाद दूसरा हिस्सा जो हमने बेल के रखा था वो हम लेंगे और इसको इस तरह इसके ऊपर डाल के, ये देखें बिल्कुल उसके बिल्कुल बराबर आ गया है, और इसको हम अच्छी तरह से इसके एजिस को बंद कर लेंगे। अच्छा, इसको हमने कोई पानी या फिर वो जो एग वगैरह लगाते हैं ना एजिस को बंद करने के लिए, वो यूज़ नहीं करने। बस इसको फिंगर प्रेस करेंगे तो ये आपस में जुड़ जाएगा और ये अच्छी तरह से जो है ना वो बंद हो जाएंगे इसके एजिस, इनका कोई मसला नहीं होता। तो ये देखें, ये हमारे बिल्कुल एजिस जो है ना वो बंद हो चुके हैं। फ्लेम ऑन करके बर्नर पर मैं पहले से ही तवा रख चुकी हूँ। अब उसके ऊपर हम लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल ताकि पराठा ऊपर डालने पर नीचे चिपके नहीं। तो पराठे को हम हाथ से ही छांट के बड़ा करेंगे, उसको हम बेलेंगे नहीं। इस पराठे को बेलने की ज़रूरत नहीं होती, इसको हाथ के साथ ही ऐसे छांटेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्टली ये बड़ी हो जाएगी रोटी। इसको अगर हम बेलेंगे ना तो इसकी परतें आपस में चिपक जाएंगी, फिर उसकी लुक वो नहीं आएगी जो हमें चाहिए। ये देखें, हमने इसको हाथ से ही छांट के, और ये फटा बिल्कुल भी नहीं है, आप देख सकते हैं कहीं से भी ये डैमेज नहीं हुआ। तो इसको रोटी बना के या इसकी छांट के बड़ा करके इसको हम तवे पर डाल देंगे। अच्छा, इसके लिए हमने फ्लेम बिल्कुल हल्का रखना है, इसको तेज़ आंच पे नहीं बनाएंगे। तेज़ आंच पे बनाए ना तो पराठे की लुक अच्छी नहीं आती, वो फटाफट ऊपर से जला जला सा महसूस होना शुरू हो जाता है। तो हम इसको लो फ्लेम पे, लेकिन बहुत ज़्यादा लो भी अगर आप रखेंगे ना तो वो अगर तो आप बहुत ज़्यादा क्रिस्पी पसंद करते हैं तो फिर ज़्यादा लो फ्लेम पर बना लें, लेकिन ये बस मीडियम सी फ्लेम पर हम इसको बनाएंगे। तो दूसरी साइड हम टर्न करके तो इसको देख लेंगे कि बैक साइड इसकी अगर अच्छे से बन गई है तो फिर हम इसके ऊपर ऑयल डालेंगे और फिर हम इसको पलट देंगे। ये देखें, बैक साइड भी इसकी अच्छे से बनी हुई है। अच्छा, इसको अब हम हाथ के साथ घुमाएंगे। कुछ लोग रुमाल वगैरह यूज़ करते हैं, मैं हाथ यूज़ करती हूँ। हाथ के साथ इसको घुमाएंगे, घूम के जो पराठा बनता है ना वो बहुत ही अच्छा बनता है, उसकी लुक बहुत अच्छी आती है। ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी और कितनी प्यारी लुक आई है, आप देख रहे हैं। ये माशाल्लाह कितना खूबसूरत जो है ना वो पराठा हमारा बनके तैयार हुआ है, और दोनों साइड और कॉर्नर तक ये पका हुआ है। ये देखें, बैक साइड भी आप इसकी देख सकते हैं और दूसरी साइड भी। तो ये माशाल्लाह कितना खूबसूरत जो है ना वो लग रहा है और कितना डिलीशियस भी फील हो रहा है। तो इसको हम जी, तो हमने इसको उतार लिया है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है और कितना मज़ेदार भी लग रहा है। मैं आपको इसके दोनों परते खोल के दिखाती हूँ कि इसके कॉर्नर तक सालन जो है ना वो बिल्कुल अच्छी तरह से, ये देखें हमने इसका एजिस थोड़े थोड़े छोड़े थे लेकिन जब हम इसे छांटते हैं तो ये बिल्कुल कॉर्नर तक आ जाता है और ये बाहर नहीं निकलता है। एजिस हमने हाथ के साथ अच्छे से प्रेस करके जोड़ लिए थे। तो ये पराठा जो है ये बड़े छोटे सब लोगों का बहुत फेवरेट होता है,
हमारे घर में ये सारे ही लोग पसंद करते हैं और हम लोग भी बचपन में बहुत पसंद किया करते थे। आप लोगों को भी याद आया होगा कि आपकी वालदा आप लोगों को बना के दिया करती थी सालन अंदर भर के। तो गोभी वाला पराठा बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए और आप यकीन माने ये बहुत ही अच्छा लगता है, मज़ेदार लगता है। मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है, आप चाहें तो कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो ये मज़ेदार पराठा बनाएं, खुद भी खाएं और अपने प्यारों को भी खिलाएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे रखिए दुआओं में याद, हाज़र होंगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।